दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों हमारे जीवन में सफलताएं और असफलताएं ये कुछ घड़ी के पहलू होते हैं जो घड़ी के चक्र की तरह घूमते रहते हैं। दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई काम आप सीख कर आए, अगर मैं कहना चाहता हूँ कोई काम आप कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप अभी सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो काम बेकार है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप सीख नहीं पाए, या इसका ये मतलब नहीं है कि आप इस काबिल नहीं है कि वो काम कर सके। दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आज आपने कोई भी जो भी काम किया है, आज के दिन का आउटपुट अगर आप नहीं निकाल पाए, आपको लगता है कि अगर आप मोबाइल फील्ड में आप कोई मोबाइल नहीं बना पाए, आपको लगता है कोई जॉब फील्ड में आप अपना कोई जॉब को प्रोसेस देन नहीं कर पाए, या किसी भी फील्ड में अगर आपको लगता है आप अपना आज का आउटपुट नहीं दे पाए, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताना चाहता हूँ कि अगर आज आप सफल नहीं हुए हैं तो इसका मतलब नहीं है कि आप जीवन में कभी सफल नहीं होंगे। दोस्तों हम इंसानों की आदत होती है कि हम किसी काम को नहीं कर पाते तो हम निराश हो जाते हैं, हम डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, हमें अपने अंदर अपने आप को हम छोटा समझने लगते, हम समझते हैं कि यार जो दूसरा काम कर पा रहा है वो हम क्यों नहीं काम कर पा रहे। पर दोस्तों हम अपने आप को कंपेयर तो कर लेते हैं दूसरों के साथ, पर कभी ये नहीं देखते कि दूसरों ने हमारी अपेक्षा कितनी मेहनत की है, दूसरों ने हमारी अपेक्षा जो हम जिस काम को आज हमने जितनी बार किया उसको कितनी बार किया है। हो सकता है कि मैंने आज जो काम किया वो 3 बार किया और सक्सेस नहीं हुआ, हो सकता है वही काम उसने 4 बार किया हो या 40 बार किया हो और वो सक्सेस पा लिया हो, और दोस्तों वो कई दिनों से कर रहा हो। तो ये चीज़ हम कभी गणना नहीं करते, हम गणना करते हैं सिर्फ आउटपुट का। अगर मैं पहली बार की सफलता की बात करूँ तो 100 में से बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें पहली बार सफलता मिलती है, क्योंकि अगर आप सफल नहीं हुए तो आप ये मान के चलो कि आप सफलता की सीढ़ी के 2 कदम पर। दोस्तों ये आपका चुनाव है कि आपको 1 कदम आगे बढ़ के सफलता को प्राप्त करना है या 2 कदम पीछे हट के सफलता से और दूर होना है। अगर मैं इसमें उदाहरण की बात करूँ तो फेसबुक पहली बार सफल नहीं हुआ, सो फेसबुक ने हॉट एंड नॉट करके जो अपनी साइट चलाई वो पूरी तरीके से विफल हो चुकी थी, उसके बाद उसने फेसबुक चालू किया। अगर इंस्टाग्राम की बात करूँ तो इंस्टाग्राम पहली बार सक्सेस नहीं हुआ, इंस्टाग्राम जो ऐप आप जिसमें फोटोज डालते हैं वीडियो डालते हैं वो पहली बार सक्सेस नहीं हुआ। इंस्टाग्राम ऐप ने बार्बल ऐप को लॉन्च किया था वो पूरी तरीके से फेल हो चुका था, उसके बाद उन्होंने इंस्टाग्राम ऐप चालू किया। दोस्तों अगर मैं बात करूँ यूट्यूब जिसमें आप ये वीडियो देख रहे होंगे शायद, यूट्यूब तो ये पहली बार सफल नहीं हुआ, जिसने भी यूट्यूब खोला, जो भी यूट्यूब को ऑनलाइन लेकर आया, जो भी जिन्होंने भी यूट्यूब का नाम यूट्यूब रखा वो पहली बार सफल नहीं हुए थे। दोस्तों उन्होंने पहले ऑनलाइन डेटिंग साइट बनाई और वो साइट उनकी बिल्कुल भी नहीं चली, वो लोगों तक नहीं पहुंच पाई, पर आज यूट्यूब को देखिए दोस्तों वो करोड़ों लोगों तक पहुंच गया है। दोस्तों आपने फ्लिपकार्ट से परचेसिंग जो की होगी ना, फ्लिपकार्ट अमेजोन ये कितनी बड़ी बड़ी वेबसाइट है जिससे सब कुछ मिलता है, अगर दोस्तों मैं इनकी बात करूँ तो ये भी पहली बार सफल नहीं हुए थे, ये पहली बार सिर्फ ऑनलाइन बुक सेलिंग की साइट होती थी, उसके बाद इन्होंने साइट पर दूसरी चीजों को बेचना शुरू किया। अगर हम बात करते हैं पेटीएम की, आप देखें कि करोड़ों लोग पेटीएम से जुड़े हुए हैं, छोटे वर्ग के व्यापारी और बड़े वर्ग के व्यापारी भी पेटीएम से जुड़े हुए हैं, तो पेटीएम पहली बार सक्सेस नहीं हुआ था। पेटीएम ने जो पहली शुरुआत की थी वो कूपन सेलिंग साइट से की थी, इतने नामी ग्रामी नाम कितने बड़े बड़े ब्रांड जो मैंने आज इस वीडियो में बताए हैं वो पहली बार सक्सेस नहीं हुए, ठीक उसी प्रकार हो सकता है आपका आज का दिन भी शायद सक्सेस ना हो। पर अगर हम काम करना छोड़ दें, अगर हम निराशा में डूब जाए, या अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमसे नहीं होगा तो जीवन में, तो फिर आप कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। अगर आपको वाकई में जीवन में सफल होना है तो जो भी काम कर रहे हैं लगन के साथ करते रहिए, आप देखेंगे आने वाले समय में आप जरूर सक्सेस होंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो मेरे YouTube चैनल में देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।